विनिंग पंजाब दा स्पैशल प्रोग्राम देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजरा पंजाब दी राजनीति दियां कुछ बड़ियां ते अहम खबरां। सब तो पहला गलबात करांगे श्रोमणी अकाली दल दी। श्रोमणी अकाली दल जिन्होंने कि अज भगवंत मान दी सरकार नूं घेरन दी कोशिश की है, किस मुद्दे उपर घेरन दी कोशिश की है ते किस तरह के गंभीर इल्जाम लगाए ने आम आदमी पार्टी के उपर, इस बारे गलबात करांगे। गलबात करांगे आम आदमी पार्टी के वर्करां दी। आम आदमी पार्टी के वर्कर ही अपनी सरकार के उपर हुण इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस नूं लैके कि तिखे इल्जाम लगा के उन्होंने अपने ही विधायकों नूं घेरना शुरू कर दिता है। किस विधायक के घर के अगे धरना लग्या ते आम आदमी पार्टी के वर्करा ने अपने ही विधायक के घर के अगे धरना क्यों लगाया, की आ पूरा मामला, इस बारे भी गलबात करांगे। ते नाल ही नाल गलबात करांगे पंजाब के नवें बने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की, यानी कि लालजीत भुल्लर की, उन्होंने वालों पंजाब रोडवेज PRTC की बसा की कमाई को लैके एक वड्डा दावा किया गया। की आ दावा कि कमाई के बढ़ोतरी हुई है या फिर PRTC हालत खस्ता हुई है, इस बारे विस्तार चर्चा करांगे। तो चर्चा करने के लिए मैं नाल जुड़े हुए ने मेरे सीनियर सहयोगी अवतार सिंह गिल साहब। सब तो पहला स्वागत करांगे गिल साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम के। धन्यवाद मान साहब। सो गिल साहब, सब तो पहला आप गल करिए श्रोमणी अकाली दल की। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी कि अज भगवंत मान की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नज़र आई है तो गंभीर इल्जाम लगाती हुई नज़र आई है मजीठिया को लैके। उन्होंने कहा कि मजीठिया के उपर जो कि जेल के पटियाला जेल के बंद है उन्होंने उपर तशद्दुद हो रहा है, सो उन्होंने नाल उन्होंने मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, सो गंभीर इल्जाम लगाए ने। तो नाल ही नाल यह भी गल कहते हुए नज़र आई है श्रोमणी अकाली दल कि जेल मैनुअल की अणदेखी की जा रही है, जिहड़ियां सुख सहूलत मजीठिया साहब नूं मिलनियां चाहीदियां सीआं जेल मैनुअल के आधार पर वो उन्होंने सुख सहूलत नहीं मिल रही, किवें देख रहे हो श्रोमणी अकाली दल के इन्हां बयानां नूं? देखो लखविंदर जी, जिस तरह के नाल राजनीतिक पार्टियां होंदियां ने इन्हां नूं एक मुद्दा चाहीदा हुंदा दूजी पार्टी नूं घेरन दा। वैसे तो आम आदमी पार्टी की गल कर ली, आम आदमी पार्टी की चारे पास्यों घिरी हुई पई है, हुण कमी रह गई सी श्रोमणी अकाली दल दी, श्रोमणी अकाली दल ने भी घेर लिया। चलो नहीं कोई मुद्दा लभ्या तां मजीठिया साहब वाले मामले ते घेर लिया। पहली गल तां इह है जी, जेल मैनुअल दा हवाला दिता गया। चलो जेल मैनुअल दे हिसाब दे नाल जिहड़ियां सहूलतां दी गल कीती जा रही है, उह सहूलतां मिलनियां चाहीदियां। उह बिल्कुल असीं वी कहिंदे आ कि जेल मैनुअल है जिहड़ा उस दे हिसाब दे नाल जिहड़ियां सहूलतां ने उह मिलनियां चाहीदियां ने। लेकिन हुण इत्थे श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे कहिंदे नज़र आए ने कि जी 12 साल तो बंद पई कोठड़ी दे विच मजीठिया साहब नूं बंद करता जी। तां लखविंदर जी, इत्थे मैं तुहानूं दसणा चाहांगा कि जिहड़ी पटियाला दी जेल आ उह तां पहलां ही ओवरलोड है, बंदे रखण नूं उहनां कोल थां नहीं हैगी। तां की उहनां नूं 12 साल पहलां इह गल पता सी कि मजीठिया साहब आउणगे वी इह कोठड़ी नूं खाली रख्या जावे, इत्थे मजीठिया साहब नूं बंद करांगे फिर आपां? देखो इह तां बेसलैस गल्लां ने। ठीक है कि जेलों के जिस तरह के नाल हरजोत बैंस वालों इतने जेल के जड़ा दौरा किया गया सी, उस तो बाद उदों भी बिक्रम मजीठिया बी क्लास के ही सी जी, अति सुरक्षा के रख्या गया सी उन्होंने। लेकिन उस तो बाद फिर इन्होंने कहा कि मजीठिया साहब की जान को खतरा है जी, सानू केंद्र तो इनपुट मिले, एजेंसियां ने इनपुट दिता। चलो उस मामले में भी लैके उन्होंने जी सुरक्षा वो वाधा किया गया। लेकिन देखो जिस तरह के नाल तुहानू मैं दस दिना कि कई क्लासा के वंडी होंगी है जेल जी, एक होंगी है बी क्लास जी, एक होंगी है लाइब्रेरी अहाता जी, तो बाकी एक क्वारंटाइन अहाता, तो एक जेडे चौथे क्लास के जो चौथे दर्जे के जेडे आम लोग जेडे आम नागरिक ने जी। देखो जेल मैनुअल तो यही कहते ना कि इंसान तो इंसान ही आ, पर फिर उन्होंने क्यों इस तरह के नाल सहूलतों तो वांझे रखा जाता, फिर उन्होंने भी मिलनिया चाहिए ने जी। लेकिन हुण देखो मजीठिया साहब नूं जेल दे विच AC तो ला के दे नहीं सकते जी, गर्मी बहुत ज़्यादा, देखो गंभीर इल्जाम ने उन्होंने उत्ते। तो हुण इह तां इह कहा जा रहा है कि अकाली दल वालों कि मजीठिया साहब नूं जिहड़ियां सारियां सहूलतां उत्थे प्रोवाइड कराईआं जाण, उन्होंने AC भी ला के दिता जाए, उन्होंने TV भी दिता जाए, उन्होंने 5 अर्दली भी दिते जाण, उन्होंने मोबाइल फोन की सहूलत मुहैया कराई जाए, फिर जेल कादी? जेकर सारियां सहूलतां अंदर बैठे मिल गईआं फिर उह जेल कादी जी? तो फिर तो जाए जे घर बैठे ने जेल बैठे ने इक्को ही गल है। लेकिन
जिथे जेल प्रशासन नू सही लग्या उथे मजीठिया साहब नू रखा गया ताकि उन्हां दी जिहड़ी जान नू खतरा है उन्हां दी जान बचाई जा सके। पहली गल तो यह होंगी है कि जे जिहड़ा जान नू खतरा हुंदा इंसान की जान नू खतरा बाहर ज्यादा हुंदा जेल दे विच बड़ी कड़ी सुरक्षा हुंदी है उत्थे कोई बाहरों जाके नहीं मार सकता कोई अंदरों भी नहीं मार सकता क्योंकि जिहड़ी सुरक्षा हैगी है वह इन्नी कि मजबूत हुंदी है कि जिहड़ा एक अहाता उहदे कैदी दूजे अहाते दे विच नहीं जा सकते। तो जिहड़े अहातियां दे विच इहनां नू रख्या जांदा बड़े सुरक्षित अहाते हुंदे ने क्योंकि मजीठिया साहब पढ़े लिखे भी ने विधायक भी ने जी तो सबका विधायक माफ़ करना सबका विधायक भी ने तो उन्होंने जिन्नियां सहूलतां बनदियां ने उस हिसाब नाल सहूलतां दित्तियां गईयां ने। यह तो देखो हुण इल्जाम तराशियां हुंदियां रहिंदियां ने इल्जामबाजियां हुंदियां रहिंदियां इस तरह का हुण इन्हां दा खासम खास सुच्चा सिंह है जिहड़ा जेलर है जी अकालियां दा बंदा जेलर लग्या होवे ते फिर सहूलतां ना मिलन तो सवाल बड़े खड़े होंदे ने कि आखिर हो की रहा जी। एक तो इन्हां दा खास बंदा उत्थे जेलर लग्या होया शिवराज सिंह नूं हटा के सुच्चा सिंह नूं तैनात किया गया जो कि सुखबीर सिंह ते विक्रम मजीठिया का बहुत ज़्यादा करीबी है जी। तो फिर जेकर जेलर इन्हां दा इन्ना करीबी है फिर उन्हें 12 साल पुरानी कोठड़ी दे विच उन्हां नूं बंद क्यों किया सवाल इत्थे भी खड़ा होंदा। लेकिन देखो जिस तरह के नाल जेल प्रशासन नूं ठीक लग्या उस हिसाब के नाल उन्हां नूं रख्या होया जेकर हुण उह कहण मैनूं तां एसी भी ला के तां गर्मी बड़ी है तां इह तां पॉसीबल नहीं है मान साहब जी भी उहदे कहिंदे नजर आ रहे ने चलो सहूलतां दी बहस उहने गल कीती नाल उहने इह भी कहा भी मानसिक तौर ते परेशान किया जा रहा पर कारण क्लीयर करने की कोशिश नहीं की कि सहूलतों की गल जरूर की है किमें देख रहे हो की सोच रहे श्रोमणी अकाली दल वाले भी किहड़े ऐसे तशद्दुद ने जिहड़े मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया। देखो लखविंदर जी गल हैगी है जेल दे विच कदे भी किसी भी कैदी के उत्ते कोई तशद्दुद नहीं किया जा सकता क्योंकि देखो उत्थे ना तो यह पुलिस रिमांड ते ने भी इन्हां नाल कुटमार हो गई ठीक है जी। तो जेल दे विच तां देखो जिस तरह के नाल कैदी विचरते हैं जिस तरह के नाल कैदी रहिंदे ने उस तरह के नाल रख्या जाता है जिहड़े अंडर ट्रायल ने उन्हां लई अलग जिहड़ियां बैरकां हुंदियां ने या फिर जिहड़े सज़ा याफ्ता ने उन्हां लई अलग बैरकां हुंदियां ने। हुण इह तां है नहीं कि मजीठिया साहब की जिहड़ी कोठड़ी है उहदे च चूहे छड्डते जेल प्रशासन ने जेल प्रशासन की कहड़ा उन्हां दे नाल दुश्मनी है। मानसिक तशद्दुद मैनूं गल समझ नहीं आई भी किस तरह का मानसिक तशद्दुद है जिहड़ा मजीठिया साहब दे नाल कीता जा रहा कि मजीठिया साहब नूं मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे जी या तो यह हो सकता कि मानसिक तौर पर परेशान हो गए ने जी उन्होंने मनोरंजन के जिहड़े साधन ने वह नहीं उन्होंने मिल सके। तो देखो अजिहियां गल्लां ने जेल दे विच किसी तरह का किसी नूं कोई इदां दा कोई निजी रंजिश नहीं है जेल प्रशासन की विक्रम मजीठिया के नाल कि उन्होंने उत्ते तशद्दुद किया जाए ना ही जेल दे विच किसी की कुटमार की जा सकती है जी। तो जो जिन्नियां बनदियां सहूलतां ने दित्तियां जा रही ने यह तो एक जाण बुझ के कह लईए कि सरकार नूं घेरन वाली कोशिशां कीतियां जांदियां ने क्योंकि अज देखो आम आदमी पार्टी बुरी तरह के नाल घिरी हुई है तो इस दे विच अकाली दल ने भी अपना शगूफा छड्डता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर जिथे गिल साहब तुसीं गल कर रहे हो कि इन्हां वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे ने भाव कि श्रोमणी अकाली दल वालों सरकार नूं घेरन की कोशिश है इल्जाम लगाए रहे उत्थे इल्जाम तराशियां दा दौर अपने ही घर विच्चों भी लग रहा है आम आदमी पार्टी उपर। गल करिए हलका लंबी की जिथे कि लंबी तो जितते हुए विधायक गुरमीत सिंह खुडिया के घर के अगे धरना लग्या होया है धरना भी किन्ना लगाया आम आदमी पार्टी के वर्करा ने सो उन्होंने अपने ही सरकार दी नीतियों के उपर बड़े सवालिया चिन्ह लगाए ने। उन्होंने कहा भी जिहड़ी कि मंडी किलियां वाली दी कालियां वाली दी ट्रक यूनियन की चोण हुई है प्रधानगी की चोण हुई है वह सरासर गलत है। सो गुरवीर सिंह ने जिन्ह की कि पत्नी हलका इंचार्ज रही है उन्होंने वालों धरना लगाया गया गुरमीत खुडिया के घर के अगे यह कहें हुए भी हलका इंचार्ज मेरी घरवाली सी लेकिन प्रधान किसी होर लगाया गया नीतियां के सवाल चुकते नजर आ रहे हैं। सो गल करिए भी कि नीतियां की गल करते हैं जिन्होंने नीतियां लैके इन्होंने धरना लगाया कि प्रधानगी वास्ते उन्होंने ये चाहते ने भी हलका इंचार्ज असी सानू प्रधानगी मिलनी चाहिए सी कि नीतियां की गल कर रहे हैं। देखो लखविंदर जी बड़ी हासोहीणी गल है मैनू ये गल नहीं समझ आ रही कि आखिर केड़ियां नीतियां दी गल करने कि चोणां तो पहला कोई अजिहा मैनीफेस्टो जारी किया गया सी कि जो सरकार बन गई उदों आम आदमी पार्टी के जिहड़े वर्कर हैगे ने या जिहड़े नुमाइंदे हैगे ने वो ट्रक यूनियन ते कब्जे करनगे सब्जी मंडियां ते कब्जे करनगे उत्थे अपनियां पर्चियां लाउणगे सट्टें वालियां नाल सैटिंग करनगे। तां केड़ियां नीतियां दी गल कीती जा रही है कि आखिर
क्यों एक जिहड़ियां अहुदेदारियां ने उन्हां दी दौड़ दे पिछे ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਭੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ? ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੱਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਗਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਫੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਦਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ? ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਖਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ
कि मैं मुख्यमंत्री बना, वह सुपना बस पूरा हो गया कि मैंने मुख्यमंत्री बनाता, लेकिन ना तो केजरीवाल ने इन्हों कोई पावर दित्तियां ने, ना कोई फैसले लैण के हक दिते ने। जिस तरह के नाल हुण पहला भी विवाद उठाया कि जिहड़े पंजाब दे इत्थे CMD ते जिहड़े मैंबर सैकटरी ने PSPCL दे जिहड़े बुलाए गए ने उसनों लैके भी किन्ना विवाद उठाया, राज्यसभा मैंबरां नूं लैके किन्ना विवाद उठाया। फैसले सारे केजरीवाल ही कर रहे हैं। तो भगवंत मान तो सिर्फ एक दिखावे दे डमी CM ने, तो उन्होंने ये ते की बयानबाजी करनी है? तुसीं तां इह देखिया होणा कि जिस दिन दे उह चोणां जिते ने, चोणां तो पहला उन्होंने चेहरे के उत्ते कुछ नूर जरूर दिखता सीगा, खुश नज़र आते, लेकिन जिस दिन के मुख्यमंत्री बने ने उन्होंने चेहरा लटकया होया, चेहरा एक बुझी हुई मोमबत्ती वर्गा हो चुका मान साहब का, क्योंकि उन्होंने भी पता है कि मेरा कैरियर तबाह करता होया केजरीवाल ने, क्योंकि जिहड़े पंजाब के लोग भगवंत मान के नाँ ते जिन्हां ने वोटां पाईआं पूरे पंजाब दे विच, हुण किहड़े मूँह दे नाल भगवंत मान लोगों के विचरणगे, क्योंकि जदों लोगों के जाणगे तो लोग सवाल तो भगवंत मान नूं भी पुछणगे, क्योंकि भगवंत मान ने ही लोगों नूं सवाल पुछण सिखाया, तो हुण जवाब तो भगवंत मान नूं भी देने ही पैणगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, भगवंत मान घिरदे हुए नज़र आने अपने ही, हुण तो वर्कर भी उन्होंने उपर उंगलां चुकना शुरू करते हैं, जिथे कि पहला विरोधी धिर की गल करते, विरोधी धिर नूं इह कहिंदे नज़र आ रही थी कि विरोधी धिरां दा काम ही हुंदा बोलना, सरकार अपना काम कर रहेगी, लेकिन हुण अपने ही वर्करां दे वल्लों वड्डे वड्डे धरने प्रदर्शन शुरू हो गए ने, शुरुआत हो चुकी है हलका लंबी तो आने वाले समय दे विच ये बगावत वड्डा रूप ना धार जा कर जाए, इस तो बचण दे लई वड्डे व्यापक पद्धर दे उपर भगवंत मान नूं वड्डे फैसले लैने पैणगे। हुण एक अच्छी खबर जे आपां कहीएगी, क्योंकि जो लगातार चारे पासों सरकार घिरदी है, तो एक अच्छी खबर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वल्लों आई हैगी, वह यह कहते हुए नज़र आए ने, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है लालजीत भुल्लर नवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, जो वह कहते भी पिछले महीने की गल करिए मार्च महीने जो कि सरकार चनी दी सी, उस टाइम जिते कि PRTC की कमाई महीने की तकरीबन 37.5 करोड़ सी, एक महीने ही आम आदमी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिहड़े नवीं नीतियां लियांदियां ने उसके तहत कमाई तकरीबन 1.5 गुणा वध गया, वह कहिंदे हुण तकरीबन 62.5 करोड़ रुपया आमदन होनी शुरू हो गई है। और बड़े बड़े दावे किए ने उन्होंने भी अजे तो नीतियां होर आनियां ने, हजे जुर्माने की गल की है, नाल ही लैके आ रहे हैं, कहिंदे पॉलिसी की भी गल करांगे, एक बस एक परमिट की पॉलिसी, लेकिन ये पॉलिसियां शुरू होण सिकंजा हजे होर कसे जाए, वह कहिंदे साडी नीतियां इस तरह सीगियां भी 37.5 करोड़ तो सीधा तकरीबन 62 करोड़ रुपए तक साडा मालिया हर मंथ पहुँच चुका PRTC का, किवें देख रहे उन्होंने वड्डे दावे नूं, किन्ना सच जां फिर झूठ दा पलंदा? देखो लखविंदर जी, बड़ा हासोहीणा बयान कह सकते हैं आप, इस बचकाना बयान कह सकते हैं, क्योंकि देखो जिस तरह के नाल मैनू लगता है कि लालजीत भुल्लर होना ने जिहड़े अंकड़े ने उन्हां ते नज़र ही नहीं मारी जी। सब तो पहली गल तो केवल नीतियां ने जिहड़ियां नीतियां साडियां नीतियां दे नाल जिहड़ा इन्ना वाधा हो गया, उन्होंने 34 करोड़ रुपए का जिहड़ा वाधा दस्सिया कि वाधा हो गया, तो उन्होंने ये तो कित भी नहीं दस्सिया है कि कहड़ियां नीतियां दे नाल होया, कि केवल 25 ते 10-35 बसों नूं हरी झंडी देण दे नाल इन्हां दीआं नीतियां इंप्लीमेंट हो गईआं, किहड़ी नीति इन्हां वल्लों इंप्लीमेंट की गई है हुण तक सानूं तो कोई नज़र नहीं आई हैगी, ना ही कितें कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना ही कोई पत्रकारां नूं इस गल की जानकारी दी गई है। हाँ, एक बयान जरूर सामने आया कि बड़ा इजाफा हो गया जी। सब तो वड्डी गल तो यह है कि पंजाब रोडवेज दीआं बसां ने जिहड़ीआं उह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते दाखिल नहीं हो सकदीआं, उहदा कारण की है? उहदा कारण है दिल्ली सरकार। जेकर तुसीं अपनियां PRTC दीआं बसां अज भी उत्थे तक नहीं पहुँचा सकते, फिर तुसीं इह दावे किवें कर सकते हो कि इह जिहड़ा साडा मालिया इन्ना वध गया, जदकि पिछली सरकार की गल कर रही है, बेशक अमरिंदर सिंह राजा विड़िंग नूं 3 महीने मिले, लेकिन 3 महीने ते उन्होंने अपनी कारगुजारी विखाई, उन्होंने दिखाया करके कि किस तरह काम हुंदा, किस तरह के नाल महकमे चलाए जाते हैं और किस तरह के नाल जुर्माने वसूले जाते हैं, और कल्ले कल्ले जिहड़े उन्होंने जुर्माने वसूले या फिर उन्होंने वालों जिस तरह के नाल रोडवेज की जिहड़ी दशा सुधारी गई, उस दा कल्ला कल्ला प्रैस ब्रीफ बकायदा तौर पर हर दिन किया जाता सी, हरेक दूजे दिन प्रैस ब्रीफ करके दसदे सी कि इत्थे आ सी और इहनू वधा के
ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PRTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਤੇ 15 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੋ ਟਾਈਮ ਝੰਡੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ PRTC ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ PRTC ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ 35 ਤੋਂ 63-64 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ 72 ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 54,000 ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੱਸ ਫੜੀ ਕੀਤਾ 1,08,000 ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2,16,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਸਿੱਖੀਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰਫੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਪਕੜੋ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬਤਾਓ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਇਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੂਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ
सवाल यह खड़ा होंगे कि पहला भी मैं एक प्रोग्राम दे विच दस्या सी कि दिल्ली दे विच आबादी पहला 1.5 करोड़ सी, हुण जिहड़े बाहरलियां स्टेटां हैगियां बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के जिहड़े लोग ने वो इत्थे आके इन्ने बस गए ने कि आबादी 3 तों 3.5 करोड़ हो चुकी है। तो उस दे तहत हो सकता है कि यह जिहड़ियां टूरिस्ट बसा ने जिहड़ी पंजाब दे विच बिहार दे या उत्तर प्रदेश के जिहड़े मजदूर लियांदे जा रहे ने, हो सकता है केजरीवाल साहब के इशारे ते ही हो रहा होवे, क्योंकि देखो इन्ने वड्डे पद्धर ते पहला कदे इन्ने मजदूर इत्थे नहीं पहुंचे सी, क्योंकि 3-3 बसा इकट्ठियां जिहदे विच 62 तों 68 बंदे आउंदे ने स्लीपर कोच दे विच इक वार दे विच, तां उह एंटर हो रहीआं ने पंजाब दे विच हरेक तीजे चौथे दिन यह फलीट पूरी पहुँचती है, 10 तों 12 बसों की फलीट है जी पंजाब दे विच एंटर होंदी है। तो यह मैं लगता है कि यह उस नीति का हिस्सा जी केजरीवाल साहब की नीति चल रही है दिल्ली दे विच कि बाहरों जिहड़े स्टेटा तो मजदूरी करन वाले आ उन्हां नूं लियाओ, उन्हां दीआं लिया के वोटां बनाओ ते अपनी जी वोट बैंक हैगा उसनों होर ज़्यादा मजबूत करो। तो एक लालजीत भुल्लर साहब नूं यह जरूर दसना चाहिए सी कि जिहड़ियां नीतियां ने किहड़ियां नीतियां ने उह किहड़ियां नीतियां दे विचों इह फायदा होया, किहड़ियां नीतियां दे नाल जिहड़ा इह रेवन्यू है जिहड़ा वधिया इहदे विचों उन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया कि किहड़ियां नीतियां सी किहड़ियां नीतियां दे तहत इह जिहड़ा रेवन्यू वधिया हैगा। तो यह एक कह लिए कि लोगों नूं भरमाउण वाला जिहड़ा बयान है वह दिता गया, क्योंकि लगातार जिहड़े इल्जाम जिस तरह लगते ने कि इन्हां दे अपने बयान नहीं हैगे, यह भी जिहड़ा बयान है मैनूं लगता है लालजीत सिंह भुल्लर होना दा बयान है ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के नाल पहला तर्क के नाल बेशक 3 महीने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे राजा वड़िंग, लेकिन उन्हां दी हर एक गल दे विच बकायदा तौर पर हर चीज़ लिखती पढ़ती दसी जाती सी कि पहला आ सी उस तो बाद आ होया उस तो बाद इन्ने पैसों का जिहड़ा फायदा होया आ डीजल तो इन्ना फायदा लिया सी इत्थे आ सवारियां तो इन्ना फायदा लिया इत्थों असी जुर्माने वसूले, इन्होंने तो ना कोई जुर्माना वसूलिया ना इन्होंने कोई सवारियों वाधा किया ना इन्होंने कोई परमिट कैंसल किए ना इन्होंने कोई बसा फड़िया ने, तो फिर ये तो हवा च ही बयान मनिया जाऊगा। सो बिल्कुल जी बिल्कुल, सो बयान तो लगातार आ रहे हैं भी किस तरीके PRTC गल करिए पंजाब रोडवेज बस की बसा की गल करिए कि वो मुनाफे के जा रही है, चलो चंगी गल है जेकर मुनाफा होएगा तो पंजाब के लोगों को सहूलत होर मिलनगिया। सो गिल साहब तुम गलबात करने के लिए साढ़े जुड़े वो बहुत बहुत धनबाद, धन्यवाद लखविंदर जी। सो ये सन साढ़े सीनियर सहयोगी अवतार सिंह गिल साहब जिन्होंने पंजाब की इन्होंने अहम खबरों के न उपर विस्तार चर्चा की है, चर्चा की है बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की कि ज जेल के किस तरह की स्थिति है तो किस तरह के इल्जाम श्रोमणी अकाली दल वालों लगाए गए हैं, तो ही गलबात की हैगी पंजाब सरकार नीतियां की जिन्हों के उपर हुण आम आदमी पार्टी के वर्करां वालों ही सवाल चुकने शुरू हो गए हैं। सो उम्मीद है साढ़े दर्शकों को अवतार सिंह गिल द्वारा की हुई चर्चा जरूर पसंद आएगी, तुहानू ये चर्चा किवें लगी सानू कमेंट करके जरूर दस्यो, अगले एक प्रोग्राम फिर तो होगी साड़ी मुलाकात, उद तक सानू दे इजाजत, धन्यवाद।